मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्टन रोड के इलाका कोड़े पिंड में, जहां पे दानियाल क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जो कि वार्ड नंबर 9 का इलाका है, एरिया है, हम वहां पर मौजूद हैं। और यहां पे इनकी ज़ेरे सरपरस्ती यहां पे एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जो कि लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है जो कि मुस्तहिक हैं, नादार लोग हैं, और जो अपना इलाज मुआवजा जो है वो करवाने से कासिर हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम इस कैंप को, इस मेडिकल फ्री कैंप को, एक तो जो है हम उसको कैप्चर कर सकें, और साथ ही साथ हम उस वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, ताकि उनसे जान सके कि वो किस तरह से अपने लोगों का दर्द रखते हैं। और यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया ताकि यहाँ पे आके लोग अपनी मेडिसिन ले सकें, अपने टेस्ट करवा सकें। तो आए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं, उन तमाम लोगों से जो कि यहाँ पे अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, और क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे, ताकि उनसे हम जान सकें कि वो क्या सोचते हैं कि हमें अपने लोगों की फलाह के लिए, अपने लोगों की इसलाह के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए। तो आए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल क्रिश्चियन वेलफेयर के सारे मेंबरान, और उनके चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका नाम तारक सौदागर है। और हमसे जानेंगे कि यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया गया, उसके लगाने का, सर आप एक तो हमें मकसद बताएं, और दूसरा आप हमें ये भी बताएं कि दानियाल क्रिश्चियन वेलफेयर जो सोसाइटी है वो किस तौर से अपने काम को सर अंजाम दे रही है। खुदा बाप के बबरकत नाम में क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी का मकसद जो है वो है अपने लोगों की खिदमत, और सिर्फ हमारा मकसद कोई सियासत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अपने लोगों की खिदमत है, और अपने लोगों को यकजा करना, मुतहद करना, और जहाँ तक हो सके मेरे इन भाइयों की कोशिश है कि हम लोग मिलकर और अपने लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। जो भी कोई मुश्किल है उसमें हम उनका, जहाँ तक हो सके हम उनका साथ दे सकें, जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद कर सकें। और क्योंकि हमारी बेसिकली तालीम ही जो है ना वो है दुखी इंसानियत की खिदमत। जीसस बाप भी आए तो उन्होंने भी अपनी जितनी भी खिदमत की उसने दुखी इंसानियत की खिदमत ही की, और यही तालीम जो आगे हम तक भी पहुँचती है, और वही है कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करो। तो उसकी एक छोटी सी मिसाल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने लोगों से, ना कि सिर्फ क्रिश्चियन, जो भी बंदा, जो भी लोग हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो जिनको मदद की ज़रूरत है, जो कि मेडिसिन नहीं ले सकते, उसके लिए हमने ये एक छोटी सी एफर्ट की है। खुदा बाप इसको में कामयाबी हमें अता करे,
तो आगे चलकर हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे भी और बेहतरी भी अपने आप में भी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, अपने लोगों में भी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ ना डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, तो डॉक्टर तनवीर हमीद साहब हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि एक तो आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं जैसे कि हम सब जानते हैं, और आप समझते हैं कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना एक डॉक्टर के लिए या एक वेलफेयर के साथ मिलकर ये काम करना किस तरह से हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? ये बहुत ही अच्छा एक इकदाम है कि हम इन भाइयों के साथ मिलके आज इस इलाके के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर हुए हैं कि जो लोग बीमार हैं या किसी तरह से परेशान हैं, हम उनकी जो है ना मेडिकली उनको ट्रीट कर सकें। यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, तो इस इलाके के लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर आए ताकि वो जो है ना इलाके के लोगों को एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकें। सर मेडिसिन के अलावा यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह की सहूलत भी है? हाँ, इसमें यह है कि ब्लड शुगर का जो टेस्ट है और जो और थोड़े बेसिकली जो बुनियादी टेस्ट हैं उनकी सहूलत मौजूद है, फ्री टेस्ट की सहूलत मौजूद है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ परवेज़ सरदार साहब मौजूद हैं जो कि दानियाल क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं और प्रेजिडेंट हैं उनके, और हम उनसे भी जानेंगे कि जो क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी है वो किस तरह से काम कर रही है और ख़ास करके इस इलाका में, या अगर वो मुख्तलिफ इलाकों में भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें बताएँ। मिसेज यस्सू में हमारा सलाम। हमारी जो सोसाइटी का जो हमारे दोस्तों का काम है यही है खिदमत करना, और हमारी जदोजहद यही है कि जो माड़े लोग हैं उन तक हम मेडिकल की सहूलत मौजूद पहुँचा सकें। और अपना तारक सुधाकर साहब हमारे साथ हैं और हमारी पूरी टीम हमारे साथ है और सारे मिलजुल के हम अपना इसकी कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद निशान साहब जो कि इस इलाके की जानी मानी शख्सियत भी हैं, और सिर्फ वो मेडिकल का ही काम नहीं करते बल्कि वो सामाजिक खिदमत भी करते हैं। वो समाज के में जो रहने वाले जो पसमानदा लोग हैं उन तक भी अपनी रसाई जो करते हैं ताकि वो उनके लिए किसी ना किसी तौर से जो काम है या उनके जो रुके हुए काम है या जो उनकी मदद है वो किसी भी तरीके से की जा सके। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं, एक तो आप इस मेडिकल कैंप के इंचार्ज हैं और दूसरा ये है कि आप सामाजिक तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो मेडिकल कैंप है ये हमारे लोगों के लिए या दूसरे जो लोग हैं उनके लिए किस तौर से जो है ये फ़ायदेमंद है? मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले दानियाल क्रिश्चियन वार्ड 9 का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहिबान का, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब का, डॉक्टर तनवीर का, डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद अकमल का, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इस फ्री मेडिकल कैंप में, जिस तरह सरपरस्ते आला परवेज़ सुधागर साहब ने इस सारे कैंप का इनेकाद किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मसूद फार्मेसी का जिन्होंने ये सारी मेडिसिन प्रोवाइड की, और परवेज़ सुधागर साहब का जिन्होंने मेडिसिन, बाकी परवेज़ सरदार साहब ने टेस्ट का इनेकाद किया और इस इलाके को फ्री मेडिकल कैंप की जो है सहूलत फराम की। और हमारी आगे भी कोशिश है वार्ड 9 में के ताकि इसी तरह ये इस काम को जारी रख सकें। शुक्रिया। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मेडिकल कैंप में आए हुए कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए या मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ एक बाजी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि वो किस तौर से इस मेडिकल कैंप में आए और क्या यहाँ पे सहूलियात हैं, क्या आपके लिए यहाँ पे आसानी है, पानी का बंदोबस्त है, या मेडिसिन जो है वो आपको देने से मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आपको अभी मना कर रहे हैं? हाँ जी, हम आए हैं, चेक बड़ा अच्छा किया है और मेडिसिन भी फ्री मिल रही है, तो बस बहुत अच्छा लगा यहाँ के आके। आप खुश हैं कि आपके लिए ये यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया है? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया बाजी आपका। हमारे साथ यहाँ पे एक और खातून मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया गया है तो बाजी आप क्या समझते हैं कि ये जो मेडिकल कैंप है ये आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे आना आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ है या नहीं हुआ? हाँ जी, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ और मेडिसिन भी फ्री हो रही है और चेकअप भी फ्री हो रहा है। मेडिसिन भी फ्री है और चेकअप भी फ्री है, और इससे ज़्यादा और इतनी महंगी दवाएं कोई नहीं भी ले सकता, तो अच्छा है गरीबों के लिए। अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बताएं कि बैठने के जो इंतजाम हैं वो कैसे हैं? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
जी अभी हमारे साथ यहाँ पे एक माँ जी मौजूद हैं जो कि इस कैंप में आए हैं मेडिसिन लेने के लिए। तो माँ जी आप हमें बताएं कि एक तो यहाँ पे आप मेडिसिन लेने आए हैं तो यहाँ पे जो बैठने का इंतज़ाम है वो कैसा है, और दूसरा ये बताएं कि डॉक्टरों का जो रवैया है आपके साथ वो कैसा है? मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा, तो बैठने का तो इंतज़ाम अच्छा है, और डॉक्टरों का रवैया तो जानेंगे तो फिर बताएंगे ना। ठीक है, जब कोई जहाँ चेक करेंगे या किसी तो फिर हमें पता चलेगा कि इनका कार्रवाई हमारे साथ कैसा है। ठीक है, अच्छा है या मसलन के कैसे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे पहले भी आते रहे हैं, डॉक्टर जो अरशद निशान है यहाँ पे उनसे मेडिसिन लेने के लिए आते रहे हैं, तो आपको डॉक्टर अरशद निशान साहब का जो रवैया है वो कैसा लगता है? वो तो हमारा बच्चा है, हमारे साथ तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर मेडिसिन लें या ना लें, वो हमारा बेटा है, हमारे से बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत करता है, बड़े अच्छे अखलाक से बोलता है। शुगर में जब अपनी वो मेरी फाइल बनी हुई है तो वो मुझे कहते हैं कि शुगर चेक कराओ, तो वो फाइल पे लिखनी है, तो मेरे से तो लिखी नहीं जाती, तो फिर अरशद से ही लिखवा लेती हूँ, तो लिख देता है। कभी भी उसने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं लिखनी या मेरे पास टाइम नहीं या मैं फिर लिख दूंगा, ऐसा सवाल उसने कभी नहीं हमारे साथ किया। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। माँ जी आप यहाँ पे दवाई लेने के लिए आए हैं? तो लेने। अच्छा, तो मेरे बच्चे दवाई लेने। अच्छा, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो कैंप लगाया गया है ये आपके लिए फायदेमंद है? पुत्र मेरी बुखार ने ना होश मारी, मैनू नहीं पता लगता की करा तो की ना आखा। चलो खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे माँ जी। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे सारे मेडिकल कैंप के मंजर को, जहाँ पे हमने दानियाल क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के जो तमाम मेम्बरान हैं उनसे बात की, जो कि वार्ड नंबर 9 में वाल्टन रोड पर वाक़िया है, और साथ ही साथ हमने डॉक्टर्स की टीम से भी बात की जो कि इस कैंप में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमने उन तमाम मरीज़ों से भी बात की जो इस कैंप में आ रहे हैं और जो कि मेडिकल की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और सिर्फ मेडिकल मेडिसिन नहीं बल्कि वो यहाँ से अपने जो टेस्ट हैं, जो बुनियादी टेस्ट हैं वो यहाँ से करवा रहे हैं, जिसमें शुगर का टेस्ट है, जो ब्लड के जो बुनियादी बेसिक जो टेस्ट हैं वो करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपनी कौम और अपने लोगों के लिए इसी तौर से काम किया जा सके जिस तरह से दानियाल क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर अरशद निशान, डॉक्टर तनवीर हमीद और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जिस तरह से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो बाकी इलाकों में जो लोग हैं वो अपने अपने इलाके में अपनी खिदमात को सर अंजाम दें, ताकि आप लोगों की भलाई के लिए और उनकी फलाह के लिए अपनी ज़िंदगियों को सर्व करें, ताकि हम अपने माशरे को इस बदहाली से और इस मुसीबत के वक्त में उनका साथ दे सकें। तो नाज़रीन, नेशनल न्यूज़नामा देखने वाले तमाम लोग भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि नेशनल न्यूज़नामा हमेशा ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाने की कोशिश करती है जो कि अपने लोगों की फलाह को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का सबब बनती हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं और मेरा कैमरामैन तारिक पैरा आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।